Shubham. Hope you are all well. Today I am here to teach Python language in Hindi. Before moving forward, please click the bell icon and subscribe our channel Electro for you so that you get notification for our latest update. So our today topic is introduction of Python. तो आज हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज पाइथन, पॉपुलर ऐप डेवलप्ड इन पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन. ओके, व्हाट इज पाइथन. आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पाइथन. पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो मशीन इंडिपेंडेंट कोड लिखता है. मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट में डिफरेंस ये, मशीन इंडिपेंडेंट वो लैंग्वेज होती है जो अलग अलग मशीन पर सेम टाइप का कोडिंग लिखी जा सकती है. उसे हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है. और मशीन डिपेंडेंट वो लैंग्वेज होती है जो अलग अलग मशीन पर उसका कोडिंग करने का तरीका चेंज होते जाता है. ओके, अलग अलग मशीन पर कोडिंग करने का तरीका चेंज होता है. ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं पॉपुलर ऐप डेवलप्ड इन पाइथन. तो यूट्यूब भी पाइथन लैंग्वेज से बना है, कोरा भी पाइथन लैंग्वेज से बना है, इंस्टाग्राम भी पाइथन लैंग्वेज से बना है, और गूगल भी पाइथन लैंग्वेज से बना है, मोजिला फायरफॉक्स भी पाइथन लैंग्वेज बना है पाइथन लैंग्वेज का यूज करके ये सब ऐप डेवलप हुआ है. ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन जो कि आज का लास्ट टॉपिक है. ओके, तो पहला पॉइंट है कि वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स इन पाइथन. तो पाइथन को स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स इन पाइथन. तो पाइथन इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए एक ही तरीका है. जबकि C++ जावा ये इसमें एक काम को करने के लिए चार तरीके होते हैं, लेकिन इन पाइथन एक काम करने को के लिए एक ही तरीका होता है. सो पाइथन इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज. दूसरा पॉइंट, पाइथन इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मतलब जानते ही होंगे, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस माना जाता है. मतलब ए कैपिटल ये दोनों अलग अलग है इन पाइथन लैंग्वेज. ओके, तीसरा पॉइंट है फीचर्स ऑफ पाइथन में कि पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है, मतलब डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज मतलब होता है कि यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन. वेरिएबल को डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है. ओके, मतलब वेरिएबल के आगे हम लोग है ना दूसरे लैंग्वेज में डेटा टाइप्स लगाते थे ना, इंट ए इज इक्वल टू 4. इसमें देखो एग्जांपल हम बताते हैं, ये है ना आपने पाइथन शेल में टाइप करके देख लेना एक बार, सही है ए इज इक्वल टू 4. ओके, यहाँ टाइप ये लिखना, आउटपुट देखना ये आएगा इंट, मतलब ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है पाइथन में डेटा टाइप्स. ओके, तो पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो हम लोग का चौथा फीचर्स है पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, जब हम पढ़ ले रहे हैं तुम लोग समझ जाएगा, हम बताते हैं डिफरेंस है. कंपाइलर ट्रांसफॉर्म कोड रिटेन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड एट वंस बिफोर प्रोग्राम रन. ये है ना, ये हम गोल किए हैं, यही डिफरेंस क्रिएट करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर. देखो अब इंटरप्रेटर में पढ़ते, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट वन बाय वन इनटू द मशीन कोड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन. ये प्रोग्राम रन होते ही है ना, हाई लेवल
प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को मशीन कोड में चेंज कर देता है इंटरप्रेटर, और ये पूरा कोड कंपाइल होने के बाद है ना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम लोग पांचवा पॉइंट है कि पाइथन का जो लाइब्रेरी होता है बहुत लार्ज है, इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन और मॉड्यूल्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए है ना पाइथन को हम लोग पॉपुलर, पाइथन इसी वजह से पॉपुलर है बहुत ज्यादा। और फिर इंडेंटेशन और छठा फीचर्स है, इंडेंटेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस। इंडेंटेशन मतलब ये, कर्ली ब्रेसेस मतलब ये। तो ये अदर लैंग्वेज में C++ में देखना ये कर्ली ब्रेसेस यूज होगा, और इन पाइथन इंडेंटेशन यूज होता है इस। ओके, और इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। This class is over. For next topic is history of Python and Python 2 versus Python 3. In next class, we will see it. So, channel name is Electrofolio. So, channel का नाम है Electrofolio और website है हम लोग का electrofolio.in। वहाँ जाकर जो आज हम पढ़ाए हैं वहाँ Python सेल होगा, वहाँ शुभम सिंह लिखा होगा, माई नेम इज शुभम सिंह, उसमें जाइएगा वहाँ नोट्स मिल जाएगा आज जो जो पढ़ाए हैं। ओके, और दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो जो भी गलती हुआ होगा वो मैं इम्प्रूव करूँगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जरूर। ओके एंड थैंक यू।